गुड मॉर्निंग स्टूडेंट जी, वीडियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिश्रौली की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम चैप्टर 6 हॉरिबल हिकअप्स के क्वेश्चन आंसर कर रहे थे इंग्लिश में। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन आंसर में हमने ये टिक द करेक्ट वाले को कर लिया था, चूज द करेक्ट ऑप्शन को और क्वेश्चन आंसर को भी कर लिया था। अब हम ये फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं, यानी कंप्लीट द सेंटेंसेस। इन सेंटेंस को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये वाले सेंटेंस हमने लेसन में भी दिए हुए हैं, तो वहाँ पर लेसन को अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पढ़ते ही आ जाएंगे। ठीक है, शी हैड ट्राइड, उसने ट्राई किया ड्रिंकिंग वाटर, पानी पिया, और होल्डिंग हर, और रोकना, क्या रोकने की कोशिश की थी उसने इस हिकअप से छुटकारा पाने के लिए, तो उसने रोकने की कोशिश की थी ब्रीथ को, यानी कि सांस को। तो यहाँ पर उसकी स्पेलिंग लिखते हैं BREATH, ब्रीथ, यानी कि उसने सांस रोकी। बट द हिकअप वुड नॉट, बट हिकअप का क्या हुआ, वो कहीं पे भी नहीं गई है ना, गो अवे, दूर नहीं हुई हिकअप्स, उसकी हिकअप्स दूर नहीं हुई। फिर नेक्स्ट देखते हैं, शायद इफ़ यू स्टैंड ऑन, तुम खड़े हो जाओ, ऑन योर, ये स्कंक ने कहा था उससे, है ना, क्या करने के लिए कहा था, किस पे खड़ा होने के लिए कहा था, स्टैंड ऑन योर, यानी कि किस पे खड़े हो जाओ रेना से, तो उसने क्या कहा था, स्टैंड ऑन योर हेड, तो HEAD, हेड पर खड़े होने के लिए, स्टैंड ऑन योर हेड। द हिकअप विल क्या होगा, फॉल आउट, है ना, उसने कहा था कि हिकअप गिर के बाहर आ जाएगी, तो फॉल आउट, गिर के बाहर आ जाएगी, ये उसने स्कंक ने सजेस्ट किया था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन को अभी आप कर लीजिए, वीडियो को बीच में टच करके रोक लीजिए और इन सारे क्वेश्चन आंसर को कर लेना, फिर वापस से बीच में वापस टच करके प्ले कर लेंगे और आगे करेंगे। ठीक है, हमने ये बाकी के तीन और फिल इन द ब्लैंक्स कर लिए थे, है ना, इनको आपने लिख लिया होगा वीडियो रोक कर। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, स्पेल इट राइट, है ना, इसको स्पेल करना है। ठीक है, ये पिगिन लिखा हुआ है, रॉबलिन लिखा हुआ है ना, और ये सी लिखा हुआ है, मिस्क्विनी लिखा हुआ है, येट लिखा हुआ है। ठीक है, ये डबल एम से बनेगा, है ना, और सबल डबल सी से बनेगा। ठीक है, इसको ऐसे आवाज करनी है। ठीक है, इस तरीके से इनको पढ़ेंगे। वोकैबुलरी में देख लेते हैं, लर्न दोस, है ना, हॉफ, टू मूव बाय जंपिंग ऑन वन फुट, जब हम एक टांग उठाकर कुत्ते का आगे बढ़ते हैं तो इसको हॉप बोलते हैं। टमी, स्टोमच को बोलते हैं। पेटिंग, टचिंग समबडी सेवरल टाइम्स विद अफेक्शन, किसी को अफेक्शन के साथ टच करना, इसे क्या बोलते हैं, पेटिंग। फ्रेंड, मिजरेबल यानी कि वेरी अनहैप्पी, बहुत दुखी। हॉरिबल यानी कि अनप्लेजेंट, यानी कि बहुत बुरा, खतरनाक। क्योर्ड यानी कि मेड हेल्दी वेल। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं, इसमें लिखा हुआ है, रीड द सेंटेंसेस एज सॉफ्ट एज बेड एज कॉपिंग, है ना, और आगे देखते हैं और क्या लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट दिस कंपैरिजन। कंपैरिजन को कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पर वर्ड भरने हैं। फर्स्ट वाले में लिखा हुआ है एज लाउड एज ए, है ना, तो ज़्यादा आवाज़ वाले, लाउड यानी बहुत तेज आवाज़ होती है ना, तो ज़्यादा आवाज़ कौन करता है, लायन, माउस या बर्ड, तो लायन करता है, वो जब दहाड़ता है तो बहुत तेज आवाज़ आती है, तो लायन पर कर देते हैं। एज प्राउड, ठीक है, एज प्राउड एज, इसमें क्या करेंगे, पिजन, पिकॉक या आउल, पिजन प्राउड रहता है, कबूतर प्राउड रहता है, या पिकॉक रहता है, या आउल रहता है, तो पिकॉक रहता है ना, क्योंकि वो डांस अच्छा करता है, ये इस पर लगाएंगे, बी पर यहाँ पे लगाना रहता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला देखते हैं, एज हार्ड एज यानी कि कड़क, तो सबसे कड़क चीज़ को देखना है ना, तो क्या फॉक्स कड़क रहती है, बेल कड़क रहती है, या रॉक, तो क्या कड़क रहता है ज़्यादा,
रॉक रहती है ना, रॉक मतलब चट्टान पत्थर, तो वो सबसे हार्ड रहता है, मजबूत रहता है। एज जेंटल, एज जेंटल यानी कि सॉफ्ट है ना, तो बियर सॉफ्ट रहता है, लैम्ब सॉफ्ट रहता है, या विशल सॉफ्ट रहती है, तो लैम्ब सॉफ्ट रहता है क्योंकि लैम्ब की ऊन बनती है। ठीक है, फिर एज ब्रेव एज ए, तो इन सब में से ब्रेव वाले का नाम, मंकी ब्रेव रहता है, रेड रहता है कि लायन रहता है, तो लायन रहता है ना, लायन ब्रेव रहता है, वो किसी से डरता नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से इनको टिक कर लेंगे और इन सारे क्वेश्चन के आंसर को अपनी कॉपी में अच्छी राइटिंग में लिखेंगे और अच्छे से इनको याद भी कर लेंगे। ठीक है, और इसका फ़ोटो खींच कर, सारे क्वेश्चन आंसर का फ़ोटो खींच कर, और जो वो फर्स्ट में मीनिंग लिखवाए थे उनको भी लिख लेंगे और इनका फ़ोटो खींच कर डालेंगे व्हाट्सएप पर। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।